मैं जानता हूँ सब कुछ ठीक नहीं है। सिर्फ साई ही नहीं, गांव के बाकी लोग जिन्हें न्योता दिया है वो भी नहीं आए। जरूर कुछ बात है। मैं द्वारका में होके आता हूं। रामदास जी, सांसें धीमी हो रही है। ये ऐसा ना हो कि साई हम सबको छोड़कर। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? साई कहीं नहीं जाएगा। साई, उठो साई, साई। ये बुड्ढा तो अभी तक मरा ही नहीं है। हाँ संता जी, इन मूर्खों को अभी भी उम्मीद है ये बचेगा। साई को बताइए ना, क्या हुआ मेरे साई? भाई साहब का आपने तो कहा था साई बाहर गए, तो वापस कब आ गए और इनकी तबीयत को क्या हुआ बताइए ना। हाँ साई, साई कहीं बाहर नहीं गए थे रामदास जी। तीन दिनों से साई बहुत बीमार है। क्या साई तीन दिन से बीमार है? इतनी बड़ी बात और आपने ये बात मुझसे छुपाई? और मैं भी मूर्ख, आपकी बात मान ली। यहां आकर एक बार देखा भी नहीं। क्यों किया इतना भरोसा मैंने आप पर? क्यों नहीं बताया? बताइए ना।
इसमें इनका कोई दोष नहीं है काका। साई का आदेश था कि आपको कुछ पता ना चले। साई की इच्छा थी कि आप मिताली की शादी अच्छे मन से कर सके। अगर आपको बता देते कि साई को दिल का दौरा पड़ा है तो इनकी हालत सचमुच बहुत नाजुक है। ये क्या बात है साई? आपने मुझे वचन दिया था कि मेरी बेटी की शादी में आप आएंगे, उसे आशीर्वाद भी देंगे। आपने आपका वचन तोड़ दिया है साई। मिताली की विदाई भी हो गई और आप आए ही नहीं, और इन सब का मुझे पता भी लगने नहीं दिया। ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई थी कि एक ही वक्त आप मुझे मेरी बेटी और गुरु के विदा होने का दुख दे रहे हैं? भक्तों का सपना पूरा करना ये आप अपना कर्तव्य समझते ना? भक्तों की इच्छा हर हाल में पूरी करते हैं। तो मेरी बेटी की शादी में आपका होना ये मेरा सपना आपने क्यों पूरा नहीं किया? पता है ना साहिब, जवाब दीजिए। दुनिया भर के रोग ठीक करते हैं आप, तो आप अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? जवाब दीजिए मुझे साई, जवाब दीजिए मुझे साई, जवाब दीजिए। बताइए ना साई, आप क्यों नहीं आए? अगर साई मिताली के शादी में आता तो वो शादी आप नहीं देख पाते। मैं कुछ समझा नहीं। पैसा? क्या कोई ऐसी बात है जिससे हम सब अनजान हैं? बताओ पैसा, ऐसा बताओ। तुम्हें मेरी कसम है, ऐसा बता दो। मुझे माफ कर दो साईं। तुम्हारा भक्त तुम्हें गलत समझे, ये मैं कैसे होने दूं? साई ने मुझे बताया था कि मिताली के मेहंदी का दिन आपके जीवन का आखिरी दिन होगा। आपको याद है मेहंदी के दिन आपके दिल में तेज दर्द हुआ था, आपको दिल का दौरा पड़ा था,
लेकिन साई ने आपको वचन दिया था कि मिताली की शादी बिना किसी बाधा के होगी और आप उसको विदा कर सकेंगे, इसलिए आपके दिल का दौरा साई ने अपने ऊपर ले लिया। आज एक आखिरी इच्छा है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मिताली की शादी बिना विघ्न के खुशी खुशी हो जाए। उदारता के सारे मापदंडों को कोसों दूर छोड़ा अपने, मैं चाहकर भी 100 जन्म तक इस रूम से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन अब मिताली की शादी हो गई, मेरी हर इच्छा पूरी हो गई, अब तो ऊंचाई है ना। मेरे हिस्से की मौत मुझे दे दीजिए। सही ऊंचाई है ना, वैसे भी ये बोझ लेकर जीना असंभव है। मेरे जैसे लाखों रामदास है जिनकी आपको मदद करनी है। इसलिए आपको उतना ही होगा साई, उठ जाइए ना साई। साई साई, साई, उठ जाइए ना साई, साई उठ जाइए। कहे सुन
सुनते हो जो हर अभिलाषा जीवन की, जान लो तुम ही मेरे साई, ये पीड़ा मेरे मन की। रंग तुमरा कैसे चुकाऊं, दुविधा हल तुम कर दो, तुम्र चरण विश्राम मैं पाऊं, बस इतना ही वर दो। इतनी अर्ज सुनो मेरे साई, विनती सौ सौ बार, इतनी अर्ज सुनो मेरे साई, विनती सौ सौ बार। अनगिन है उपकार साई वर, कृपा है अपरम पार, कृपा है अपरम पार, कृपा है अपरम पार। हम बच्चों के नाथ हो जो तुम, हाथ न छोड़ो साई, तुम्हारी सांस से बंधे हमारी आस न तोड़ो साई। मन की सुनो पुकार हमारे, लौट के वापस आओ, नैन ये खोलो कुछ तो बोलो साई, जरा मुस्काओ। इतनी अरज सुनो जरा साई, विनती सौ सौ बार, विनती सौ सौ बार, विनती सौ सौ बार, हो सारे का पता पानी सा।
संता जी, ये फकीर तो उठ के बैठ गया। हाँ संता जी, छोटी मालकिन को ये बुरी खबर देनी होगी। चलिए 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 चलिए। ऐसा क्यों किया साई? मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाली? मेरी सारी तकलीफें अपने ऊपर क्यों ली? रामदास, तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो, तो क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा दर्द नहीं बांट सकता हूं? तुमने इतने लोगों को खुशियां दी हैं, तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी का विवाह बिना किसी पीड़ा के देखने की खुशी नहीं दे सकता? लेकिन अब सब काम पूरे हो चुके हैं, अब मेरे हिस्से का दर्द मुझे दे दीजिए। तुम्हारे हिस्से का दर्द तुम्हें पहले ही मिल चुका है रामदास, अब केवल उसका परिणाम आना शेष है। उस परिणाम के लिए मैं तैयार हूं। ये सब क्यों हो रहा है? इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है साई? बिगाड़ा है काकी, लेकिन किसी और का नहीं, अपना ही। रामदास, तुम बस ये भूल कर बैठे कि दूसरों की सेवा में तुमने अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं दिया। रामदास, तुमने औरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी तो निभाई, लेकिन अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भूल गए। भी गुनेगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सही, बस आखिरी बार मैं कुछ मांगना चाहता हूं। आपकी गोद में सर रखकर मुझे आखिरी बार सोना है। और दूसरा, हर जन्म में मैं आपका भक्त बनकर लोगों की सेवा कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। राम जी भला करें।
दशा दिशा जीवन की बदले साईं नाम प्रभाव, जब हृदय में नाम तुम्हारा रहे न कोई अभाव, बस इतनी विनती है बाबा तुमसे रहे लगा, तुमसे निकल कर तुमको पाऊं ऐसा रहे बहाव, गुरुवर मेरे सदा रहे मन तेरे भाव में डूबा, तरस रहा हूं दरस दिखा दो मेरे साईं बाबा, मेरे क्या कर रहे हो केशव? देखिए ना साईं, चूहे ने यहां बिल बना दिया है, अभी अभी बाहर निकला है इसीलिए इसे बंद कर रहा हूं। लेकिन किस लिए? जीना मुश्किल कर दिया है साईं, अनाज खराब कर रहे, ऊपर से दो कंबल थे हमने सोचा किसी अतिथि के काम आएंगे, परसों वो भी कुतर दिया, अब लौट के ना आए इसीलिए मैं इसे बंद कर रहा हूं। तुम जानते हो केशव तुम क्या कर रहे हो? किसी से उसका घर छीन रहे हो तुम। वो कहीं और घर बना लेगा साईं। लेकिन अभी तो उसका यही घर है, अगर ये छीन गया तो उसे दुख होगा। लेकिन वापस लौटेगा तो फिर कुछ खाएगा। तो ये उसकी नहीं केशव, हमारी गलती है कि हम अपनी चीजों को संभाल कर नहीं रख रहे हैं और अपनी गलती की सजा किसी और जीव को देना, क्या ये सही है? सही कह रहे हैं आप साईं, बड़ी गलती करने से आपने मुझे रोक लिया, शुक्रिया साईं। ₹100 ₹100 एक, ₹100 दो, रामबाबू आपकी पत्नी अभी भी घर के अंदर बैठी है और नीलामी शुरू हो चुकी है, वो अंदर नहीं बैठ सकती, उन्हें बाहर लाना ही होगा। ₹100 दो और ₹100 120 120 नीलामी चालू हो गई है और अब हमें यहां रुकने का कोई अधिकार नहीं है। सुविधा, अ
आओ बाहर चले। डोली आई थी मेरी इस घर में, इस घर के हर कोने कोने से मेरी याद जुड़ी है, बस उसे समेटने की कोशिश कर रही हूं। साई सब ठीक कर देंगे, सुविधा तुम चिंता मत करो। ओम साई राम। ओम साई राम। होश में आ जाइए आप, साई का नाम जप कर करके आखिर आपको मिला क्या? यहाँ तक कि हमारा घर भी नीलाम हो रहा है और ये देखे जा रहे हैं। सुविधा, तुम साई को मानती नहीं हो क्योंकि जानती नहीं हो, उन्हें सबकी चिंता रहती है। कहाँ है चिंता, मुझे तो महसूस नहीं हो रही है। अगर आपको अपने साई पर इतना ही विश्वास है ना, तो इनसे कहिए कि यहाँ आकर कोई ऐसा चमत्कार करे कि हमारा ये घर नीलामी से बच जाए। आपने अपने घर परिवार से पहले साई को माना है, आज अपनी उसी भक्ति की कीमत मांग कर देखिए जरा। भक्ति में ना कीमत चुकाई जाती है ना मांगी जाती है, इसलिए वो भक्ति है, नहीं तो सौदा होता, गुरु माँ की तरह होता है। जैसे बच्चे की पीड़ा माँ बिना बताए समझ जाती है, उसी तरह शिष्य की पीड़ा भी बिना बताए गुरु जान लेते हैं। हम अहमदनगर में हैं, तो भी साई को हमारी तकलीफों का एहसास होगा। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि अगर इन्हें एहसास है हमारी तकलीफ का, तो ये कब करेंगे कुछ? बेइज्जती तो हमारी हो चुकी है, अब बाकी क्या है? ₹350 ₹350 एक। ₹350 दो। ₹350 ₹400 400 की बोली लगी है, पूरे ₹400 की। और कोई है जो 400 से बड़ी बोली लगाना चाहता है? आपने 400 400 की कीमत लगी है हमारी इतने सालों की यादों की, लेकिन आपके साईं जिनका नाम दिन भर इस घर में गूंजता था, वो तो अनजान है आपसे, उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनके भक्त पर क्या बीत रही है।
अपने मन से साई को निकाले या ना निकाले, लेकिन मैं अपने इस घर को छोड़ने से पहले आपके साई को निकाल के रहूंगी। ₹400 50। कोई जो 450 की बोली के ऊपर लगा सके। ₹450 ₹450 दो, ₹450 ₹470 500 है कोई जो ₹500 से ऊपर की बोली लगा सके। ₹500 ₹500 दो,
और 500 रुपए तीन। ये मकान पूरे 500 रुपए में राम भाव को नीलाम हुआ। राम भाव, पैसे जमा करो। जी। बीस, 530, चाहे जितने भी लेना हो आपको, इसे बेचकर आप ले लीजिए। मेरा घर मुझे सौंप दीजिए। हेलो रामलाल। ओ, ओ, ओ सुख दुख आने जाने हैं, धूप और साए, बावराए मनवा तेरा उलझ न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह धन्यवाद मेरे साईं, राम समझाए। दीजिए साई, आज मेरे पति की आस्था जीत गई और मैं हार गई। तुम हारी नहीं हो सुविधा, क्योंकि तुमने भी आज साई को पा लिया। अब मैं ये समझ गई हूँ, साई का ही चमत्कार है जिसकी वजह से ये घर वापस हमें मिला। इस घर पर सबसे पहला हक साई का ही है। आज से साई इस घर के मालिक हैं और हम उनके सेवक। क्यों ना आज से हम इस घर को साई निवास कहकर बुलाएं? ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। आज से हमारे घर का नाम होगा साई निवास। साई हमारे घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। Sai, Om 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 Sai, Om
जी भला करें। इसके आई बाबा ने समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं, इसीलिए इसे आपके पास लेकर आया हूं। शिरडी के बच्चे आपके बात कभी नहीं टालते हैं। मानस यहां बैठो। क्या बात है, क्यों भागते हो पाठशाला से? मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, और पढ़ाई से क्या होता है? आई बाबा ने भी तो पढ़ाई नहीं की, लेकिन हम अच्छे से रहते हैं ना। गांव में तो ऐसे कितने लोग हैं, पर सब खुश है। जब बिना पढ़े लिखे भी खुश रह सकते हैं, तो पढ़ो क्यों? अब बताइए साईं, इसकी इन बातों का क्या जवाब दूं? कुछ बातें सिखाई नहीं जा सकती हैं श्रीकांत, उन्हें इंसान को खुद सीखना पड़ता है। तुकाराम, आप कह रहे थे ना कि आप किसी से हीरा लेकर आ रहे हैं? हाँ है साईं मेरे पास, लेकिन वो तराशा हुआ नहीं है, बस वही करने जा रहा हूँ पेड़ी पर। क्या आप उस हीरे को यहाँ तराश सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। ये देखिए, ये देखो मानस, हीरा। ये पर हीरा तो बहुत चमकदार होता है, और ये बेकार पत्ता दिख रहा है। तुकाराम, इसे अंदर जाकर तलाश दो। लो। ठीक है साईं। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ना कभी सोचा था, ना कभी चाहा था कि अपने आई बाबा के लिए दुख का कारण बनूं। बल्कि जीवन में जो भी किया, हमेशा यही कोशिश की कि मेरे आई बाबा गर्वान्वित हों। पर कुछ ही सालों में उनके चेहरे पे गर्व नहीं, मुझे सिर्फ चिंता और तनाव दिखता है। और मुझे लगता है दोष मेरा ही तो है, लेकिन कब तक मैं उनके दुख का कारण बनती रहूंगी? अब आप ही कुछ कीजिए। राधिका, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी कर, वो लोग आते ही होंगे। देख मैंने तेरे लिए नई साड़ी निकाल के रखी है, दागिने भी निकाले हैं। हाँ चल। तू क्यों चिंता कर रही है, सब अच्छा ही होगा। लेकिन आई, अगर उन्होंने पूछा, संभाल लेंगे। वैसे भी इस बार मुझे लग रहा है ये लड़का तेरे लिए सही निकलेगा। मैंने बेसन के लड्डू बना के रखे हैं,
जब कहूँ ले आना, बाल भी जरा अच्छे से बना लेना। और एक बात राधिका, लड़के वालों के सामने ज्यादा बोलना मत। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तेरे महादेव ताऊजी भी बंबई वापस आ चुके हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो पूरा घर सिर पे उठा लेंगे, इसलिए इस बार कोई गलती मत करना। मेरे साथ साथ आप लोगों को कितनी चिंताएं भी पालनी पड़ती है। माता पिता तो बच्चों की चिंता करते ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब तू माँ बनेगी ना तब समझेगी। चल जल्दी से तैयार हो जा, मुझे भी बहुत काम है, वो लोग आते ही होंगे। आई? हाँ। आई तू चिंता करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, खुश रहा कर, सब अच्छा होगा। देवकी आई, तू तैयार हो जा। आई बाबा की खुशी के लिए ही सही, पर ये सालों से चला आ रहा सिलसिला आज खत्म कर दीजिए। साई, ये देखिए हो गया। अब लग रहा है हीरा चमकता हुआ। पढ़ाई भी इंसान की जिंदगी में ठीक यही काम करती है मानस, इंसान को ज्ञान की रोशनी से चमका देती है। हीरा तो ये पहले भी था, लेकिन चमकने के बाद इसकी खूबसूरती और कीमत दोनों बढ़ गई है। उसी तरह आदमी जब शिक्षा पा लेता है तो उसका व्यक्तित्व और भी खूबसूरत होता है। हाँ, तुम्हारे आई बाबा बिना पढ़े भी खुश हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर उन्हें शिक्षा मिली होती तो उनके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें नहीं होती, और इसीलिए वो तुम्हें पाठशाला भेजकर पढ़ाना चाहते हैं। अब ये तुम्हें तय करना है मानस कि तुम्हें कौन सा हीरा बनना है, पहले वाला या तराशा हुआ। चमकने वाला हीरा बनना है साई। मुझे माफ कर दीजिए अध्यापक जी, अब से रोज आऊंगा पाठशाला में, आपको कभी परेशान नहीं करूंगा और मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। बहुत अच्छा, शिक्षा प्राप्त करना हर इंसान का अधिकार है और जरूरत भी। पढ़ाई ऐसी चीज है जिससे आज तक सबका फायदा ही हुआ है, किसी का नुकसान नहीं। जी अध्यापक जी।
शुक्रिया साई। आपकी बेटी हमें पसंद है नीलकंठ जी। फिर तो मुंह मीठा करना चाहिए सबका। वैसे अपने मुंह से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी राधिका बहुत भाग्यशाली है। हमारा पढ़ा लिखा मैट्रिक पास बेटा इसे मिल रहा है पति के रूप में। ऊपर से सरकारी नौकरी, ऊंचे पद पर, ऐसे रिश्ते ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। हमारे पीछे तो कई परिवार पड़े हैं, लेकिन संयोग देखिए, हमें आपकी बेटी अच्छी लगी। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी राधिका के ही नहीं हम सब के भाग खुल गए। अब बस शादी की तिथि मिल जाए जल्दी से। आने वाली पूर्णिमा को सुपारी फोड़ के लेन देन की बैठक करते हैं, फिर हाथ के हाथ तारीख भी देख लेंगे। घर बहुत अच्छा बनाया है आपने, बारात यहाँ लाने में हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होने वाली। अब बस शादी की तैयारी में कोई कसर मत छोड़िएगा, हमारे बाराती। क्या हुआ बहनी? ये किताबें आपके घर में कौन पढ़ा लिखा है इतना? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जी वो ये किताबें हमारी बेटी राधिका के हैं। ये लड़की तो पढ़ी लिखी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आज के जमाने में औरतों को पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए, घर के हिसाब किताब में सुविधा होती है। हिसाब किताब में तो राधिका बहुत ही अच्छी है, और मैट्रिक की परीक्षा में बंबई में अव्वल आई थी हमारी राधिका। माफी चाहते हुए कह रहा हूं, ये रिश्ता नहीं हो सकता है। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा था कि पढ़ी लिखी लड़की। देखिए मैंने कहा था पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन हमारे लड़के की बराबरी करने वाली बहू किसी को भी नहीं चाहिए। ज्यादा पढ़ी लिखी मतलब सिर पर बैठने वाली बहू,
घर में कलह का कारण बनने वाली बहू। ऐसी बहू तो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन भाऊ, हमारी राधिका पढ़ी लिखी जरूर है, लेकिन घर को जोड़ना भी तो जानती है। क्यों बेचे जा रही हो? कह दिया ना, हमें नहीं चाहिए आपकी लड़की। आओ चलिए। अरे लेकिन एक बार सुनिए तो, सुनिए। पढ़ा लिखा होना गुनाह कब से हो गया? दोष कब से हो गया? आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि आप लोगों को इतनी पढ़ी लिखी बहू मिल रही है। ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ है आजकल? ओहो चलिए। साई। राम जी भला करें। साई, आपकी मदद चाहिए। बैठो। क्या बात है? अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने यहां शिरडी आए थे, लेकिन बात नहीं बनी। कई महीने हो गए हैं, लेकिन उसकी शादी की बात बनती ही नहीं है कहीं। अब बेटे का तबादला औरंगाबाद हो जाएगा। वहां जाने से पहले हम चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए, ताकि नई गृहस्थी बसाने में आसानी हो। एक रिश्ता आया है, कल उनके यहाँ जाना है बात करने। आप कुछ ऐसा कीजिए साई कि ये रिश्ता पक्का हो जाए। आपकी इच्छा से तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं। सरस्वती की आराधना तो सबसे श्रेष्ठ आराधना मानी जाती है ना। मैंने भी तो वही की थी ना साई। माँ सरस्वती के आशीर्वाद को ये समाज अभिशाप क्यों समझता है? क्यों साई? बाबा बेटी, कोई बात नहीं, तू रो मत। साई पे भरोसा रखती है ना, वही रास्ता दिखाएंगे तुझे। तू साई से शिकायत मत कर, बल्कि साई का शुक्रिया अदा कर कि तू ऐसे ऐसे सोच वाले परिवार की बहू बनने से बच गई। तो शादी के बाद तेरा जीना मुश्किल कर देते वो लोग। हौसला रख बेटी, कितनी बार आई, कितनी बार। तेरे बाबा ने कहा है ना, साई के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। अब साई तुझे राह दिखाएंगे, तू देखना, उन्हीं के आशीर्वाद से तुझे सही पति मिलेगा, अच्छा ससुराल मिलेगा। मुझे अपनी परवाह नहीं है आई,
हर बार आप दोनों को जो दुख पहुंचता है वो सिलसिला साई कब खत्म करेंगे? ये रिश्ते की बात है, रिश्ते तो राम जी के दरबार से तय होकर आते हैं, हम तो बस माध्यम बन सकते हैं दो लोगों को मिलवाने का। तो क्या ये कल वाला रिश्ता भी पक्का नहीं होगा? अगर शादी का योग होगा तो संसार की कोई ताकत इस रिश्ते को पक्का होने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन साई, आपने तो कहा कि रिश्ते तो रामजी के दरबार से तय होके आते हैं, तो फिर हमारा ये देखना दिखाना, मिलना मिलाना, ये सब किस काम का? ये सब भी उसकी मर्जी है, जो हमारे कर्मों का हिसाब रखता है। कभी कभी वो बिना ढूंढे ही हमें कुछ दे देता है, और कभी कभी सही जीवन साथी मिलने के लिए हमसे बहुत कोशिशें करवाता है। सब उसकी मर्जी है। मैंने किया है या मैं कर रहा हूं, ये सब अहंकार की बातें हैं। जो तुम कर रहे हो या कर सकते हो वो सिर्फ कर्म है। कर्म का फल तो राम जी तय करते हैं। मालिक करे हर किसी को उसकी मंजिल मिले। साई बाबा, प्रणाम। साई राम जी भला करें। योगीराज कब आए कोल्हापुर से? आज ही, पिछले कुछ सालों से आपकी बहुत याद आ रही थी। याद तो उन्हें किया जाता है जो दूर हो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं योगीराज। हाँ, आपके होने का आभास तो हमेशा रहता है और उससे मन को सुकून भी मिलता है, लेकिन आपका साक्षात दर्शन पाना मन के साथ साथ आंखों का होना भी सार्थक कर देता है। आपको सुन सकता हूँ, आपके चरण छू सकता हूँ, ये सब आपकी अनुपस्थिति में कहाँ संभव है। अरे भोला, जल्दी आओ। ये सब क्या है योगीराज? ये आपके लिए। जब मैं शिरडी में रहता था तो रोज आपको एक मुट्ठी गुड़ और चना खिलाता था। पिछले 5 साल में वो मौका कभी नहीं आया, इसलिए पिछले 5 सालों का गुड़ और चना एक साथ लाया हूं आपके लिए। तुम्हारा स्नेह है, लेकिन इतने गुड़ चने का मैं क्या करूंगा? मुझे थोड़ा गुड़ चना इसमें दे दो, मेरे लिए काफी होगा। लेकिन ये सब मैं आपके लिए लाया। अगर आपको ले जाने में दिक्कत है तो मैं द्वारका माई में रखवा देता हूं। इतना गुड़ चना खत्म होने से पहले ही खराब हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा इस पात्र में दे दो बस। ठीक है साईं, मैंने सोचा था कि 5 साल का एक साथ में दे दूंगा, लेकिन ये मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। आप कहते हैं आप मेरे साथ थे, लेकिन ये कैसा साथ है साईं, जब मैं आपको रोज गुड़ चना खिला ही नहीं पाया।
आप ही से शिकायत करके आप ही के पास वापस आती हूँ। आपके बगैर और कोई सहारा नहीं है। मैं जानती हूँ आपके आशीर्वाद से जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन जब तक नहीं होता है फिर आई बाबा को ये अपमान सहने का हौसला दे दीजिए। ये फूल कहाँ से? कहीं किसी ने श्रद्धा से चढ़ाए होंगे। राम जी ने यहाँ पहुंचा दिए। मेरे साई बाबा, मेरे साई बाबा। मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कोल्हापुर से शिरडी के फासले को भक्ति पर हावी होने दिया। मैं तो यही मानता था कि आप मेरे साथ नहीं हैं, जबकि आपके सच्चे भक्त आपसे दूर रहकर भी आपको अपने पास पाते। ये दिखाता है कि मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा में कितनी कमी है। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझे माफ कर दीजिए। कमी तुम्हारे नजरिए में थी योगीराज। भक्ति चरण छूने से नहीं होती है, भक्ति सुनने से या दर्शन करने से भी नहीं होती है। सच्चा भक्त अपने कर्मों में गुरु को पाता है। अगर तुम हर रोज एक मुट्ठी गुड़ चना कोल्हापुर में ही किसी जरूरतमंद को देते तो मुझ तक पहुंच जाता। भले तुम मुझे याद करते या नहीं करते, केवल कर्म करते तो तुम्हें मेरी कमी का आभास कभी नहीं होता। ये गुड़ चना गरीब बच्चों को बांट देना। और हां, ये मैं रख लेता हूं।
शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी भला करें। कोई है घर पे? जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम सभी जानते हैं क्या होगा। दादा जीते रहो। दादा बैठिए। तो नीलकंठ कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए हो आजकल, इतने दिन हो गए मुझे आके लेकिन तुम्हें मिलने का समय नहीं मिला। माफ कीजिए भाऊ, काम में व्यस्त होने की वजह से कुछ याद नहीं रहा। अच्छा, और मैं सोच रहा था हमारे घर परिवार में काम काज से ज्यादा बड़ों को महत्व दिया जाता है। काका आयुष्मान भव, सुखी रहो। ये अपनी राधिका है ना? जी भाऊ। कितनी बड़ी हो गई है नीलकंठ, इसकी शादी ब्याह के बारे में सोचा है कुछ, या इसके लिए भी व्यस्त हो तुम? हम कोशिश कर रहे हैं भाऊ। अगर सच्ची कोशिश कर रहे होते तो अब तक राधिका का ब्याह हो जाना चाहिए था। फिर अभी तक लड़का क्यों नहीं मिला? क्या है? मैट्रिक की किताब। इसका मतलब ने राधिका से मैट्रिक करवाया। भाऊ राधिका पढ़ाई में बहुत अच्छी है, मैट्रिक में अव्वल आई है वो। और इस बात पे खुश हो रहे हो तुम? अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद करके करो और आज मैं, अरे कैसे भूल सकते हो कि पढ़ाई लिखाई लड़कियों के लिए नहीं है। देखो नीलकंठ, मैंने तुम्हें सचेत किया था लेकिन तुमने मेरे पीठ पीछे मेरी बात को महत्व तो नहीं दिया। इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? अब समझ में आया तुम्हारी कोशिश सफल क्यों नहीं हो रही है। कौन करेगा तुम्हारी पढ़े लिखी बेटी से शादी? भाऊ हम लोग लड़का देख रहे हैं और जल्द ही उसे कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो बिना किसी पूर्व अपेक्षा के उसे स्वीकार करे। मेरी भी दो बेटियां हैं, उनका दुर्भाग्य है कि वो राधिका से छोटी है।
अगर राधिका का प्यार नहीं होगा तो वो दोनों भी अनप्यारी रह जाएगी, ये सोचा है तुमने? हमारे घर परिवार की बेटियां कुंवारी रह जाएगी, कुंवारी। हाँ, मैं कुछ करूंगा। तुम कुछ नहीं करोगे, अब जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। आज तक इस घर में मेरा शब्द अंतिम था और आज भी अंतिम ही होगा। अब मैं राधिका के लिए जल्द से जल्द कोई रिश्ता ढूंढूंगा और जो कोई भी पहला लड़का तैयार होगा उससे इसका ब्याह करा दूंगा। और मेरे इस निर्णय में मैं किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। देखा आपने, मुझे इसी बात का डर था। अब महादेव बाहु जल्दबाजी में कोई भी लड़का चुन लेंगे और हम मना भी नहीं कर पाएंगे। नहीं देवकी, देवकी राधिका साई भक्त है, वो उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि राधिका के लिए अब साई ही सही लड़का देखेंगे, वो भी बहुत जल्द। भिक्षाम देही प्रणाम साईं। राम जी भला करें। कैसे हो श्रीपाद? आपका आशीर्वाद है साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। कैसे हैं आप शिंदे जी और सिंधु भाई? आप, आपकी कृपा है साई। साई, आप मुझे आबा कहके ही बुलाया करें ना, ज्यादा अपनापन सा लगता है। प्रणाम साई। राम जी भला करें। बाबा मैं दुकान जा रहा हूं और वर्धा बाजार। श्रीपाद जी। दादा, एक जरूरी काम है जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम करो। क्या काम है दादा? पास के गांव से बैलों के लिए चारा लाना है और अगर चारा बेकार आया तो बैलों में खेत जोतने की ताकत ही नहीं रहेगी। और खाद की गुणवत्ता की पहचान तुमसे अच्छी वाला किसको है? इस काम के लिए मैं सिर्फ तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ। दादा, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि क्या काम, बाकी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप से ज्यादा अच्छे से आप जानते हैं।
बाबा तबीयत कैसी है आपकी? आपने अचानक काम बंद कर दिया? साई, उम्र अपना एहसास दिलाने लगी है। खेती और दुकान की भागदौड़ पूरी नहीं कर पाता हूं, जल्दी थक जाता हूं। साई, मैंने ही बाबा से कहा, जब मैं हूं तो इनको इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत है? अब इनके आराम करने के और हमारे काम करने के दिन हैं। ये तो तैयार ही नहीं थे, पर मैंने इनको मना लिया। चलता हूं बाबा। बाबा आप अपना ख्याल रखा करिए। बिल्कुल, और आपके आशीर्वाद से श्रीपाद विनायक जैसे दो बेटे हैं, ये दोनों ही मेरी शक्ति बन जाती हैं। ये है तो सब कुछ सही चल रहा है। साईं, आपके पास थोड़ा समय हो तो एक बात करनी है। साई, श्रीपाद की शादी की चिंता लगी रहती है आजकल। बाबा आप फिर शुरू हो गए। मैंने कहा था ना कि मेरी शादी की चिंता मत कीजिए, जब होनी होगी तब हो जाएगी। बाबा श्रीपाद बहुत ही नेक लड़का है और मेहनती भी, उसके लिए बहुत ही अच्छी लड़की मिले। रिश्ते तो कई आए, मगर आप तो जानते हैं श्रीपाद सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़ा है, और हर अच्छे घर की लड़की आजकल उससे ज्यादा ही पढ़ी लिखी होती है। बस इसी बात पे वो लोग शादी के लिए मना कर देते हैं। मेरा बेटा हीरा है साई, हीरा। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, उसे पढ़ाई की जरूरत भी नहीं थी। विनायक मैट्रिक पास है और हिसाब किताब संभाल लेता है, श्रीपाद खेती देख लेता है, और खेती संभालने के लिए शिक्षित होने की क्या जरूरत है। लेकिन आजकल की लड़कियां तो पांचवी कक्षा और आठवीं कक्षा तक पढ़ाई कर लेती हैं और फिर अपने आप को मेरे बेटे से बढ़कर समझती हैं। साई, मैंने भी सोच लिया है, अपने बेटे श्रीपाद के लिए मैं एक अनपढ़ लेकिन आदर्श बहू ढूंढ के ही रहूंगी। बस यही है कि मिल ही नहीं रही है। आज ही श्रीपाद के लिए एक रिश्ते की बात आई है बंबई से। सुना है लड़की बड़ी सुशील है, कल हम लड़की देखने जा रहे हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आबा, यही लड़की आपके घर की बहू बनेगी, और यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। आपके घर की तस्वीर बदल देगी। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम।